और अब बात करते हैं दुर्गा पूजा की। कोरोना संक्रमण का असर दुर्गा पूजा पर भी साफ तौर से इस बार देखने को मिला। मैसूर के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा में जहां पुरानी वाली रौनक गायब रही, तो वहीं शहर दर शहर पूजा पंडालों में भी सन्नाटा पसरा रहा। इस बार दशहरा के मौके पर रावण जलाने का कार्यक्रम भी कई जगहों पर सिर्फ परंपरा औपचारिकता निभाने के लिए ही किया जा रहा है। पता नहीं चल रहा है इस बार तो एकदम दशहरा पता नहीं चल रहा है कि दशहरा हो रहा है या नहीं। कोरोना संक्रमण ने फीकी की दुर्गा पूजा की रौनक। दुर्गा पूजा पर कोरोना की मार, पंडालों में भक्तों का इंतजार। हाँ, मतलब ये भीड़ 0.1% आप कह लीजिए, भीड़ है ही नहीं। दुर्गा पूजा के जश्न पर इस बार कोरोना संक्रमण इस कदर हावी कि पहले जैसी रौनक और झलक पूजा में दिख नहीं रही। कर्नाटक के मैसूर में ये तैयारी दशहरे की, न ही लोगों में जोश और न ही पहले वाली रौनक नजर आ रही। हर बार की तरह जंबो सवारी जो मैसूर पैलेस से शुरू होकर बन्नी मंटप यानी शहर के दूसरे छोर पर खत्म होती, वो इस बार महल परिसर तक ही सीमित रहने वाली। और तो और, जंबो सवारी के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी का भी लोग लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। हालांकि हमेशा की तरह मुख्यमंत्री दशहरे के दिन मैसूर पैलेस में मौजूद रहेंगे और पूजा करेंगे, लेकिन इस बार यहाँ ना तो 10 दिनों तक चलने वाला मेला होगा और ना ही रोशनी में नहाए मैसूर पैलेस की झलक दिखेगी। इवन जंबू सवारी आल्सो दे लिमिटेड टू द ओनली फॉर द मैसूर पैलेस इटसेल्फ। व्हेन द जंबू सवारी इन रेगुलर टाइम्स दे यूज्ड टू मेक नियरली दे हैव टू गो फॉर 7 to 8 किलोमीटर्स इन वेरी ट्रेडिशनल वे विद वेरी हाई मॉरल वैल्यूज एंड ड्यू टू कोविड रीजन the administration is doing in Mysore Palace premises itself. सब ऐसा है कि इतना साल हम 62 साल से हमने दशहरा देख के आए हैं, अब की बार दशहरा देखने के लिए नहीं मिल रहे, ये हमारा बदनसीब है। क्योंकि ये कोरोना आके पूरा सारा हिंदुस्तान दुनिया को बर्बाद कर रखा है। अमृतसर में भी दशहरे का जोश ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ दशहरे के मौके पर लंगूर मेला लगता है, लेकिन इस बार सिर्फ परंपरा सहेजने के लिए महज 15 फुट का रावण ही जलाया जा रहा है। कभी यहाँ 150 फुट का रावण जलाया जाता था, लेकिन इस बार आम लोगों को भी कार्यक्रम में जुटने की इजाजत नहीं। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में इस बार रावण दहन नहीं होना था कोविड-19 के चलते, लेकिन सिर्फ जो लंगूर है उनकी मन्नत को पूरा करने के लिए ये इस बार रावण दहन जो है दशहरा कमेटी की तरफ से दुर्गयाना मंदिर की तरफ से एक ही स्थान पर किया जा रहा है। और जहाँ पर 100 फुट से ऊपर रावण के पुतले बनते थे, सिर्फ 15 फुट का रावण का जो पुतला है वो इस बार बनाया जा रहा है। लखनऊ के बंगाली क्लब का दुर्गा पंडाल पूरे लखनऊ में मशहूर है, लेकिन यहाँ भी पंडाल में सन्नाटा पसरा है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 3 से 4% लोग ही आ रहे हैं और यहाँ पर ना कुर्सियाँ हैं ना यहाँ पर कोई डांस हो रहा है। नहीं तो धुनी डांस देखने को मिलता था, कुर्सियाँ लगती थी, मजमा लगता था लोगों का, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो लोग आ भी रहे हैं उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज़रूरी कर दिया गया, बिना मास्क के एंट्री नहीं है यहाँ पर। हाँ, मतलब ये भीड़ 0.1% आप कह लीजिए, भीड़ है ही नहीं। और पहले यहाँ कुर्सियाँ रहती थी, धुनी डांस होता था, सब इस बार कुछ, इस बार मेले जैसा माहौल रहता था। हाँ, इस बार कुछ नहीं, इस बार एकदम सन्नाटा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि फेस्टिवल है। कानपुर के अशोक नगर के दुर्गा पूजा पंडाल में माँ का दरबार सजा हुआ है, लेकिन यहाँ भी लोगों के आने का इंतजार है। पर जहाँ पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं दुर्गा पूजा पे, वहाँ पर जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो पहले की तरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर आप पीछे तस्वीरें देखिए तो जो पंडाल है वो किस तरह सूना है, इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माँ के और दर्शन करने के बाद वापस घर लौट रहे हैं।
गोरखपुर में भी कोरोना के खौफ से रावण का कद काफी छोटा हो गया। इस बार सीमित जगहों पे ही रावण दहन का कार्यक्रम होने वाला है और साथ ही रावण का जो कद है वो अब 10 से 15 फीट तक रह गया है। ये रावण की अगर कहें तो पूरी लंबाई है, ये रावण 8 फीट का है, ये पूरा जो साइज है ये रावण का है। ये जो हमारे पीछे रावण है ये सबसे बड़ा साइज है, ये 14 से 15 फीट का ही रावण है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो वजन है कम हुआ है रावण का और कितना जो कद है वो कम हुआ है। इसके पहले क्या साइज हुआ करता था और कितने रावण बनाते थे आप? इसके पहले बहुत ज़्यादा बनते थे, शहर के अंदर जितने भी रावण बनते हैं हमारे वहाँ बनते हैं। इससे पहले साइज जो है 35 से 50 फीट तक के रावण बनते थे। शहर दर शहर कोरोना संक्रमण का असर दुर्गा पूजा पर साफ दिख रहा है। माँ के भक्त पंडालों से नदारद तो पूजा की पुरानी रौनक गायब। टीम न्यूज़ देशा।